अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, वो कालों के काल महाकाल हैं, वो अनश्वर हैं, वही आदि हैं और वही अंत हैं। जिसने भी कालों के काल महाकाल को सच्ची श्रद्धा से पूज लिया, उसे कई जन्मों के पाप से मुक्ति मिल गई। इंडिया के दिल में बसा मध्य प्रदेश, जो अपने डिफरेंट कल्चर और रिलीजियस प्लेसेस की वजह से जाना जाता है। इसी मध्य प्रदेश का रिलीजियस शहर है उज्जैन, जहां बसते हैं महादेव। उज्जैन भारत के 7 एंशियंट शहरों में से एक है, जिसे उज्जैनी और अवंती के नाम से जाना जाता था। उज्जैन की हिस्ट्री 4500 साल पुरानी है और तभी से यहाँ पर भगवान महाकाल का मंदिर भी है। लेकिन कई बार इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया और कई बार इसका रिनोवेशन भी हुआ। साल 1235 में इल्तुतमिश ने एंशियंट टेंपल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी राज्य का एक शासक था। आखिरी बार 18 सेंचुरी में मराठा काल में राणोजी शिंदे ने इस मंदिर का रिनोवेशन कराया था, जो आज भी वैसा ही है। शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुआ, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। शिव पुराण के अनुसार उज्जैन में 4 वेदों का नॉलेज रखने वाले बहुत ही विद्वान पंडित रहते थे। उनका नाम वेद प्रिय था। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। वेद प्रिय रोजाना भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाते थे और उनका अभिषेक करते थे। मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है, जिसकी पूजा के बाद नदी में या किसी भी जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ब्राह्मण वेद प्रिय के 4 बेटे हुए, जिनके नाम देव प्रिय, प्रिय मेधा, संस्कृत और सुवृत थे। प्राचीन काल में असुर राक्षस ब्राह्मणों और साधु संतों को बहुत परेशान किया करते थे, जिनका जिक्र रामायण और महाभारत में भी मिलता है। उज्जैनी में भी एक राक्षस रहता था, जिसका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत को भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि हर युद्ध और लड़ाई में उसकी जीत होगी और उसे कोई हरा नहीं सकेगा। राक्षस दुष्यंत को इस बात का घमंड था और उसने पूरी पृथ्वी में आतंक मचा रखा था। उसने एक दिन अपनी सेना लेकर उज्जैनी पर भी हमला कर दिया और ब्राह्मणों और साधु संतों पर अत्याचार करने लगा। तब विद्वान वेद प्रिय के चारों बेटों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर वो सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारेंगे तो भोलेनाथ जरूर उनकी मदद के लिए आएंगे। उसके बाद चारों भाई पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या को बर्बाद करने के लिए राक्षस दुष्यंत वहां भी पहुंच गया, लेकिन वो चारों तो भोलेनाथ की भक्ति में मगन थे। दुष्यंत ने चारों को मारने के लिए अपने हथियार उठाए, तभी धरती चीर कर भगवान भोलेनाथ सभी के सामने आए और उन्होंने राक्षस दुष्यंत को भस्म कर दिया। उसके बाद भगवान शिव ने ब्राह्मण के चारों बेटों को वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि आप लोगों की रक्षा के लिए यहीं पर ठहर जाइए, और बाबा महाकाल वहीं पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिसके बाद से ही यहाँ पर भगवान शिव महाकालेश्वर के रूप में स्थापित हुए। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ही एकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। तांत्रिक परंपरा में दक्षिण मुखी शिवलिंग की पूजा का महत्व बहुत है। इस वजह से 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ यहीं पर तांत्रिक पूजा होती है। यहाँ पर भगवान शिव का रोजाना भस्म से श्रृंगार किया जाता है, और ये भस्म कोई हवन या यज्ञ की भस्म नहीं होती, बल्कि चिता की भस्म होती है, और वही भस्म रोजाना सुबह 4 बजे भगवान महाकाल को चढ़ाई जाती है। इसके बाद शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के बाद आरती होती है, जिसे भस्म आरती कहा जाता है। उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए कुछ नियम होते हैं, जो यहाँ आने वाले हर भक्त को मानने पड़ते हैं। भस्म आरती में शामिल होने के लिए पुरुष सिर्फ धोती पहनते हैं और औरतों के लिए साड़ी पहनना जरूरी होता है। जब बाबा महाकाल पर भस्म चढ़ाई जा रही होती है, उस वक्त सभी औरतों को सिर ढकने के लिए कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि भगवान शिव को भस्म चढ़ाते हुए औरत नहीं देख सकती है। जब भस्म चढ़ जाती है
और भगवान का श्रृंगार हो जाता है तब औरतें सिर से पल्लू हटाती हैं और भस्म आरती में शामिल होती हैं। भगवान भोलेनाथ को भांग बहुत पसंद होती है, इसलिए रोजाना शाम को उनका भांग से श्रृंगार किया जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जो भी भक्त यहाँ पर सच्ची श्रद्धा से आता है, भगवान शिव को जल चढ़ाता है, भोलेनाथ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर का प्रीमाइसेस बहुत बड़ा है। यहाँ पर मेन मंदिर के अलावा और भी कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। महाकालेश्वर मंदिर 3 फ्लोर में बना है, जिसमें सबसे नीचे भगवान महाकालेश्वर खुद बैठे हैं। पहले फ्लोर पर भगवान ओमकारेश्वर मंदिर है और दूसरे फ्लोर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। नागचंद्रेश्वर मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। इसे सिर्फ नाग पंचमी के मौके पर खोला जाता है। हर 12 साल में एक बार उज्जैन में कुंभ का फेमस मेला भी लगता है, जिसमें देश और विदेश से लाखों संत और साधु पहुंचते हैं, जो एक महीने तक चलने वाले कुंभ मेले के दौरान उज्जैन में ही रहते हैं। इस दौरान लाखों भक्त कुंभ मेले में पहुंचते हैं और शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव की माँ पार्वती के साथ शादी हुई थी। उज्जैन में महाशिवरात्रि की धूम 9 दिन पहले शुरू हो जाती है, जिसे शिव नवरात्र कहा जाता है। 9 दिनों तक भगवान शिव का अलग अलग तरह से श्रृंगार किया जाता है। शिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल की बारात निकाली जाती है। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन पूरे उज्जैन में किसी के घर चूल्हा नहीं जलता है, क्योंकि इस दिन सभी का खाना मंदिर में ही बनता है। मध्य प्रदेश में भगवान शिव के एक नहीं बल्कि 2-2 ज्योतिर्लिंग है। तो चलिए चलते हैं अगले ज्योतिर्लिंग के सफर पर, जो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग।